घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। पूजा तो आप करते ही होंगे और पूजा में आसन का भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि कौन सा आसन फायदेमंद है और कौन सा नुकसान? अगर नहीं तो आज हमारा ये पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कौन सा आसन आपकी पूजा में आपको बर्बाद कर सकता है और कौन सा आसन आपकी पूजा में आपके मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। आज आप ध्यान से देखें मेरे इस पूरे वीडियो को। क्या आप जानते हैं पूजा में कौन सा हो आसन? अगर नहीं तो ध्यान से इसे देखें। आज हम आपको बताएंगे पूजा में आसन का प्रयोग। पूजा में आसन का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए, अन्यथा आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आसन का चयन बहुत ध्यान से करना होगा। हम आपको बताएंगे किस आसन से क्या फायदा और नुकसान है। लाल आसन, यह आसन वशीकरण कर्म में प्रयोग होता है। सफेद आसन, सफेद रंग के कंबल का आसन शांति कर्म के लिए प्रयोग होता है। नीले रंग का आसन, यह आसन अभिचार कर्म के लिए होता है। बाघ चर्म का आसन, यह आसन मोक्ष प्राप्ति के लिए है। मृग चर्म आसन, यह आसन ज्ञान प्राप्ति के लिए है किंतु गृहस्थों के लिए वर्जित। कंबल का आसन, यह आसन दुखों की मुक्ति के लिए है। बांस का आसन पूर्णतया वर्जित है। मिट्टी का बना आसन पूर्णतया वर्जित है। पत्थर का आसन पूर्णतया वर्जित है। घास का आसन पूर्णतया वर्जित है। पत्ते का आसन वर्जित है, प्रयोग न करें। गोबर का आसन भी वर्जित है। प्लास्टिक के आसन पर पूजा न करें, यह वर्जित है। लोहे के आसन पर भी बैठकर पूजा वर्जित है। शीशे का आसन पूर्णतया वर्जित है। पीपल का आसन पूर्णतया वर्जित है। लकड़ी का आसन जिसमें लोहे की कील लगी हो वो पूर्णतया वर्जित है। बांस का आसन दरिद्रता देता है। पत्थर का आसन बीमारी देता है, प्रयोग न करें। पृथ्वी पर बैठकर पूजा करना बीमारी को निमंत्रण देना है। लकड़ी का आसन अगर उसमें छिद्र हैं तो दुर्भाग्य का सूचक होता है। पत्तों का आसन मन भटकाता है, इसलिए वर्जित है। घास का आसन धन और यश की हानि करता है, वर्जित। कुश का आसन सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि अब आप पूजा करते समय हमारे बताए हुए इन्हीं आसनों का प्रयोग करें, जिससे आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो सकें और वर्जित आसनों का प्रयोग कदापि ना करें।